Good morning students. Today I am going to learn chapter 15. ठीक है, 15 पढ़ा रहे हैं जिसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लेंस, टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में पढ़े थे. आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन लेंस. लेंस में इमेज का निर्माण किस तरह, मतलब कैसा इमेज निर्माण होता है. जैसे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस तरह से बनता है, तो इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में इमेज किस तरह से बनता है, इसके लिए हमें तो कैंडल ले लिए जलता हो, ठीक है. और उसके बाद हमने आपके लिए लेंस ले लिए, एक स्टैंड ले लिए. स्टैंड में हम लोग एक लेंस को एडजस्ट कर दिए, ठीक है. उसके बाद एक हम स्क्रीन ले लिए, है ना, जहाँ पे इमेज हम लोग को दिखाई देगा, ठीक है. तो अगर मान लिया जाए कि हम लोग इस कैंडल को अगर लेंस से बहुत दूर रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग लेंस से कैंडल को बहुत दूर रखते हैं, है ना, इसको जो है डिस्टेंस फार अवे फ्रॉम द लेंस, देन द इमेज इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि रियल बनेगा और वो उल्टा होगा, ठीक है. तो यहां पे हम लिखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज far away from the lens, ठीक है, when the object is far away from the lens, the image is रियल एंड इन्वर्टेड. तो उसका रियल इमेज होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, यानी कि वास्तविक होगा जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा. जैसे यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है ना, कैंडल है, इसको जो है ये रखा गया है कहाँ पे, एक कॉन्वेक्स लेंस में के सामने रखा गया है, तो इमेज है वो उल्टा पड़ रहा है और ये स्क्रीन में हम लोग दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसलिए इसको लोग रियल इमेज बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस में इमेज है किस तरह का बनता है. तो अगर ऑब्जेक्ट जो हम लोग फार अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से अगर बहुत दूरी पर अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, तो उसका इमेज जो बनेगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा. रियल यानी कि जिसको हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, ठीक है. नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्राउट क्लोजर टू द लेंस. अगर हम लोग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द लेंस, अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक ले जाते हैं, लेंस के नजदीक ले जा रहे हैं, यानी कि यहाँ दूर पे है, अगर यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को थोड़ा जो है लेंस के नजदीक ले जा रहे हैं, तो हाँ इमेज जो बनेगा वो इट बिकम्स बिगर, इट बिकम्स बिगर एंड मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, ठीक है. तो यहां पे अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को
अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक ले जाते हैं तो उसका इमेज जो बनेगा बड़ा होगा और मूव्स फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, लेंस से वो दूर होता चला जाएगा और उसका इमेज जो है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे नजदीक हम लोग लेते जाएंगे इसको ऑब्जेक्ट को, जैसे नजदीक ले जा रहे लेंस के नजदीक ले जा रहे हैं तो इसका इमेज जो है वो बड़ा बनेगा और वो लेंस से दूरी पर बनेगा, फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस, उस लेंस से दूरी पर बनेगा उसका इमेज। ठीक है, थर्ड कंडीशन है when the ऑब्जेक्ट, when the ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज द इमेज कैन नू लॉन्गर बी फॉर्म, है ना, बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। यानी कि जब हम लोग When the object is very close to the lens, अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के बहुत नजदीक अगर ले जा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के बहुत नजदीक अगर ले जाते हैं, ठीक है, तो उसका the long no longer be fun, उसका इमेज है वो बड़ा इमेज नहीं बनेगा and can be no longer image fun on the screen, उसका मतलब कि स्क्रीन पे बड़ा इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, उसका इमेज है वो स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगा, उसका इमेज जो है वर्चुअल होता है। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक जो है लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के जब नजदीक ले जाते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है, जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो तीन कंडीशन था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखेंगे तो उसका इमेज जो बनेगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा, जिसे हम लोग मतलब कि यार स्क्रीन पे देख सकते हैं, और जब उससे थोड़ा नजदीक लेते जाएंगे तो जो है उसका इमेज वो बड़ा होते जाएगा, इमेज वो बड़ा होते जाएगा और वो जो है लेंस से दूर होते जाएगा, इमेज बड़ा होगा दूर हो जाएगा। लेकिन जब हम बहुत नजदीक अगर ले जा रहे हैं तो द इमेज कैन नो लॉन्गर बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन, उसका जो स्क्रीन जो उसका जो इमेज जो बनेगा वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये था कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज जो है वो कैसा बनता है। ठीक है, अब है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में इमेज जो है इस तरह बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर ऑल डिस्टेंसेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ऑल द ऑल डिस्टेंसेज of the object from the lens lens is erect diminished and virtual image, है ना, यानी कि virtual, यानी formation of image
फॉर ऑल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस के, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर ऑल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हम लोग किसी भी डिस्टेंस पर रखेंगे या इसके नजदीक रखें या तो लेंस से दूर रखें, ठीक है, जिससे फ्रॉम द लेंस, लेंस से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कितनी भी दूरी पर रखें, कहीं भी रखेंगे, तो इमेज है वो इरेक्ट होगा, ठीक है, सीधा होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा और वर्चुअल होगा, यानी कि उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देख सकते। फॉर्मेशन इमेज फॉर ऑल डिस्टेंसेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, लेंस से सभी डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस पर अगर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, द इमेज इज इरेक्ट, सीधा, डिमिनिश्ड, छोटा और वर्चुअल, मतलब कि ये काल्पनिक जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, ये सेम इमेज बनेगा अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को किसी भी डिस्टेंस पे रखेंगे तो एक ही तरह का इमेज बनेगा और वो इमेज होगा इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, ठीक है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कॉनकेव लेंस। अब देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स सॉरी कॉनकेव लेंस में क्या डिस्टेंस होता है इसको हम देखते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस में डिस्टेंस, ठीक है, इस साइड हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लिखते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, इट इज थिकर इन द मिडल एंड thinner at the edges, ठीक है। ये जो convex lens होता है वो thicker in the middle, बीच मोटा होता है, and thinner at the edges, edges में किनारे पे पतला होता है। second sorry first ये convex lens, ठीक है, it is thinner in the middle and thicker at the edges, यानी कि कॉनकेव लेंस जो है वो थिनर इन द मिडल, बीच में पतला होता है, एंड थिकर एट द एजेस, एजेस पे मोटा होता है, ठीक है। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस व्हेन द when the lens is held, when the lens is held close to the object, close to the object, it forms
when the lens is held close to the object it forms forms a virtual erect and magnified image. ठीक है, when the lens is held close to the object it forms a virtual erect and diminish image. ठीक है, यानी कि when the lens is held close to the object, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को हेड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट अगर को ऑब्जेक्ट को हम लोग लेंस के नजदीक रखेंगे तो फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज. जो है वहां पे इमेज जो है वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, बड़ा होगा. और इसमें जब कॉन्केव लेंस पे जो है जब व्हेन द लेंस इज हेड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के नजदीक ले जाएंगे तो वहां पे जो इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस it is used to correct long sightedness. ठीक है, it is used to correct short sighted. यानी कि यहां पे जो इट इज यूज टू करेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस, जब हम लोग लंबी दूरी जब हम लोग को जब साफ साफ नहीं देख पाते हैं. ठीक है, जब लंबी दूरी को जब हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं तो वहां पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. और जब हम लोग नजदीक का ऑब्जेक्ट को शॉर्ट साइटेडनेस, अगर नजदीक का ऑब्जेक्ट को हम लोग साफ साफ नहीं देख पाते हैं, है ना, अगर हम लोग नजदीक का ऑब्जेक्ट को साफ साफ नहीं देख पाते हैं तो वहां पर हम लोग कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस. ठीक है, नेक्स्ट अगले क्लास में. थैंक्स.